खबर गया से है, जहां नवागत उप पुलिस अधीक्षक के पदभार ग्रहण करते ही गया के कई क्षेत्रों से आए फरियादी ने अपनी अपनी समस्या बताई है। एसएसपी ने समस्याओं को सुनते ही सभी थानों को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी समस्याओं का निपटारा शीघ्र करें, अन्यथा थाना प्रभारी के ऊपर कार्यवाही होगी। बिंदेश्वर प्रसाद चौरसिया था, वो दुकान जूता चप्पल के चलाते थे सौकला अमस थाना में। उनको हल्का फीवर लग रहा था तो एक बगल में चुनमुन सेवा सदन करके डॉक्टर अखिलेश कुमार क्लिनिक चलाते थे, उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला कि जांच कराना होगा, जांच करवाएं। उसके हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड नहीं है वो, एक्चुअली बाद में हमको पता चला कि वो झोला छाप डॉक्टर हैं। तो वो गए रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट लिए, इसके बाद वो सजेशन दिए कि सुई लेना पड़ेगा, नस में सुई दिए। और सुई लेने के साथ ही 4-5 मिनट के अंदर उनके मुंह से झाग निकलने लगा और छड़पटाते हुए उनकी डेथ वहीं हो गई। किनकी? बिंदेश्वर प्रसाद चौरसिया की। कौन है आपके? हमारे बड़े भाई हैं, मंजिले भाई हैं। फिर थाना में? हम लोग अफरा तफरी में सदर अस्पताल सिरघाटी ले गए, इसके बाद वो लोगों ने बोले मर चुके थे एक्चुअली क्लिनिक में ही, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए सिरघाटी ले गए। सिरघाटी डॉक्टर पहले ही बोल दिया कि ये मर चुके हैं। हम लोग थाना बोर्ड को ले गए, थाना में FIR नहीं ली जा रही थी। महोदय सांसद सुशील महोदय को हम लोग फ़ोन किए, इसके बाद 21 तारीख को FIR दर्ज की गया और बॉडी को रात में अनुमंडी मगध मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। FIR हुआ है, FIR नंबर 425/22 है और आज तक थाना के द्वारा 0/0 कार्रवाई किया गया है। ये खरीदी लिए हुए हैं, उसमें ज़बरदस्ती सुगिया देवी कर रहा है, मुनि यादव की औरत, महेश यादव, कपिल यादव, विनोद यादव। कहाँ का मामला है? कौन सा? मल्हाचक अत्री थाना पड़ता है। क्या मामला है? जमीन का सर, जमीन ज़बरदस्ती वो जोत लिया है मेरा नापी होला के बाद में। प्राइवेट हम नापी करवाए हुए थे, उसमें ज़बरदस्ती करके ज़मीन जो है जो जोत लिया है। गांव का मुखिया है अरुण यादव, वो ज़बरदस्ती कहता है कि कब्जा कर लो या हम समय लेंगे, का कर लेगा सर। थाना पर कम से कम तो हम 50 को दे चुके हैं, SSP के पास में 2 को दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला खुला, यहाँ खाली आने जाने का जगह मिला है और कोई राइस को कोई फिंगर्स नहीं निकला है। डी भी दिए हुए हैं सर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ज़मीन पर यहाँ पूरा पूर्ण रूप से कब्जा चाहते हैं। मानपुर जिला गया के निवासी हूँ सर। मेरा घर पर हमेशा इन लोग चढ़ाई करता है, इन लोगों के पास कंटिन्यू हथियार के साथ आता है, जो भी मेरा घर पर चढ़ाई होता है हथियार के साथ ही आता है। किस लिए चढ़ाई करता है? केवल सर गांव में एक गली के रास्ता के लफड़ा है, वो कहता है वो सरकारी रास्ता है, लेकिन वह का नाम है कि नहीं मेरा ही कब्जा किया हुआ है, हम इसे इनका पार नहीं होने देंगे। हर कोई पूरा ग्रामीण जानता है कि ज़मीन सरकार का है और उस पर मंदिर बना हुआ है और रास्ता एक दिन की नहीं है, ये कंटिन्यू लगभग 3 साल से लफड़ा चल रहा है। थाना में सूचना दिए हैं? थाना में सूचना दिए हैं सर, तो उल्टा हम ही लोग पे FIR करके हम ही लोग को फंसा दिया गया है और इन लोग का हम फोटो भी दिए हैं कट्टा के साथ, तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक सर। अभी आप कहाँ आए? अभी हम SP पास आए हुए हैं, गया तो उनका पास ही कंप्लेन लिख के दिए हुए हैं सर, तो बोले कि ठीक है उसका उचित कार्रवाई किया जाएगा।